हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं IMU क्रूसर SE का PTZ वाईफाई कैमरा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए क्या कुछ है इस कैमरे के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी, और आपको इसको कैसे अपने फ़ोन में चलाना है वो सारी चीज़ें भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए तो वीडियो को लगातार देखिए, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। इस कैमरे में दिए गए सारे फीचर्स आपको ऊपर से ही देखने को मिल जाएंगे, जो आपके कैमरे का बॉक्स है उस पर देखिए, यहाँ पे सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो हम वीडियो को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधे ओपन करके दिखाते हैं बॉक्स इसमें क्या कुछ है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम जैसे जैसे बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हमारा कैमरा जो होता है वो निकलता है, उसके साथ लगने वाले जो भी इक्विपमेंट हैं वो सारी चीज़ निकल जाती है, डेमो निकल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको कैमरे के बॉक्स में ही मिल जाती हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो आपका वाईफाई कैमरा है PTZ मॉडल आप देख सकते हैं, और साथ में इसके दिया गया दो LED लाइट्स आप ऊपर से ही देख सकते हैं। इसके ऊपर जो बीच में दिया गया है उसको कहते हैं IR, जो कि आपको नाइट विजन के लिए काम आता है। और यहाँ पे आपको पीछे दिया गया है इसका मॉडल नंबर, बारकोड वगैरह, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको दो केबल मिल जाती हैं, जो कि एक DC केबल है, दूसरी जो है ये आपका LAN केबल के लिए काम करती है। और साथ में दिए गए हैं इसके, अब साइड में देख सकते हैं, दो एंटीना भी। और इसके साथ में आपको यहाँ पे वॉल माउंट मिल जाता है, कुछ इस तरह से इसको आपको लगा देना होता है। और इसके साथ आपको स्क्रू दिया होता है, यहाँ पे स्पेस बना होता है उसी तरह से आपको डालना होता है। और यहाँ पे स्क्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होल है, उसमें स्क्रू को आपको डाल देना तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप इसको दीवार पे फिक्स कर सकते हैं। और अभी हम करेंगे अपने कैमरे को ऑन, मतलब कि आप इसको अडैप्टर को पावर बोर्ड में लगाना है, और उसके बाद इसका जो DC पिन है उसको लगाना है अपने कैमरे वाली DC पिन में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पिन लगा देना है, दूसरा आपको दे देना है पावर बोर्ड में। पावर बोर्ड में लगाते हैं, आप देखिए यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर जो होता है वो ऑन हो जाता है। ऑन होने के कुछ सेकंड बाद जो आपका कैमरा होगा वो मूव करेगा, तो मूव करते हुए ये आपको इंडिकेट भी करेगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको अब इसको वाईफाई देना है, अभी क्या करना है। ये कैमरे के स्पीकर से खुद ही आपको वॉइस आती रहती है। अभी इसका एक पार्ट और बाकी रह गया है कि इसमें जो मेमोरी कार्ड लगानी है वो आपको कहाँ लगानी है। आप कैमरे को का जो बॉल वाला हिस्सा है उसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो स्क्रू आपको दिख रहा होगा, तो इस स्क्रू को पहले आप स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेंगे। स्क्रू निकालने के बाद आपको यहाँ का ऊपर वाला पार्ट जो होगा इसको निकाल लेना है सिंपली, आप यहाँ पे देख सकेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको रीसेट की बटन, और साथ में ही उसके ऊपर जो मेमोरी कार्ड स्लॉट बना होता है यहाँ पे आप आपकी मेमोरी लग जाती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे इसको ओपन करके रीसेट भी कर सकते हैं कैमरे को अपने। अब मैं इसको दोबारा से पैक कर दूँगा। अभी तक हमने इसका मॉडल जो था वो देख लिया, कहाँ आपको मेमोरी लगाना है, पावर कहाँ देना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली।
अब इसका जो वीडियो का मेन पार्ट है कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, अपने फ़ोन में कैसे देखना है, तो उसके लिए अब चलते हैं अपने फ़ोन स्क्रीन की तरफ और आपको बताएंगे इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन कैसे करना है। सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाके आप इस वाईफाई कैमरे का जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पर आपको टाइप करना है IMOU। इतना लिखते ही आपको यहाँ नीचे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन IMU कैमरा पे, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे IMOU लाइव करके जो एप्लीकेशन है वो आ गया है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको करना है ओपन। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको हर एक चीज़ का परमिशन मांगेगा, वो सारी चीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, जैसा कि हर एप्लीकेशन में आपको करना होता है। इतना करने के बाद आप इस वाले पेज पे जब आ जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे अपनी जो होगी वो आईडी बनानी होगी। तो यहाँ पे हम साइन अप पे जाएंगे, पहले यहाँ से आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे ऑटो लोकेशन में हम डाल लेते हैं और यहाँ पे इंडिया लिख के आ गया है। यहाँ से राइट करेंगे, ये हो गया आपका सेव। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल डालना होगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो अब हम यहाँ पे अपना ईमेल डाल लेंगे और नीचे अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड चूज कर लेंगे। उसके बाद दूसरे में भी आपको पासवर्ड वही डालना होगा। और सबसे नीचे देखिए जहाँ पे ये बॉक्स बना रहता है, यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये वेरीफिकेशन एक ठो आएगा, ये आपको उसमें डालना है। वेरीफिकेशन ओके करने के बाद आप नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ईमेल पे अपने एक आपको मिला होगा जो कोड, उसको यहाँ पे डालना होगा। तो सिंपली आप अपने ईमेल पे जाइए, ईमेल पे जाके वहाँ से कोड निकालिए, कोड को वहाँ पे आप डालिए। जैसा कि हमने कोड डाल दिया हो, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ साइन अप सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसको मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे करूँगा। और यहाँ से अब आपको अपनी डिवाइस को ऐड करना है, तो आपको प्लस के आइकन पर जाना है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऐड मैनुअली, स्कैन QR कोड। तो मैं स्कैन QR कोड का ही यूज करता हूँ हमेशा। तो मैं स्कैन QR कोड पे जाऊंगा, यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करूंगा और फिर आपके कैमरे के बैक साइड में जो QR कोड दिया होता है उसको यहाँ पे स्कैन करना है आपको। इसे यहाँ पे दिया गया है आपका QR कोड, ये इस तरह से ये स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर शो होगा, अगर वो इंडिकेटर आपको शो हो रहा है आपका कैमरा चल रहा है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कनेक्ट टू डिवाइस IMO लाइफ ऐप, वांट टू यूज़ टेम्प्रोरी वाईफाई नेटवर्क टू कनेक्ट योर डिवाइस। तो इसको अब आपको एक वाईफाई से कनेक्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं वाईफाई कैमरा है, तो इसको एक नेट देना होगा आपको, चाहे वो आपका फ़ोन का हॉटस्पॉट हो और चाहे कोई आपके यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हो, कुछ भी हो, 4G राउटर भी हो सकता है, तो उससे आपको कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपको कनेक्ट पे जाना है। तो यहाँ पे आपका जो भी नेटवर्क से इसको कनेक्ट कराना हो उस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। आप 5G नेटवर्क यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे मैं अपने जो वाईफाई है उससे कनेक्ट करा रहा हूँ। वाईफाई कनेक्ट कराने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी डिवाइस जो होगी वो ऐड हो जाएगी। ये डिवाइस ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे इसका ऑप्शन मिलता है कि आप इसका नेम जो है अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मुझे अभी ये सब नहीं करना है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे यहाँ आपको कुछ ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें अपना टाइम चूज करना है, तो हमें UTC 5:30 पे चूज कर लेना है। इसको ओके कर देना है।
ओके करने के बाद आप नीचे यहाँ पे देखिए डेट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब इसको आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं, आपको नहीं डालना है अदर प्लेस पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। इसको मैं अभी लेटर कर देता हूँ। ये देखिए कैमरा जो होगा वो आपका ऑनलाइन हो चुका है, यहाँ पे हरे कलर का सिंबल बन गया है, इसका मतलब आपका कैमरा ऑनलाइन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मुझे अभी अपडेट इसको नहीं करना तो इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, आप अपडेट कर लीजिएगा। नॉट नाउ पे जाऊँगा, कैमरा जो होगा वो आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा आपका ऑन हो गया है, लेकिन इसकी इमेज जो है वो अभी उल्टी आ रही है क्योंकि हमने इसको टेबल पर रख रखा है। इसका भी ऑप्शन है, वो आगे चल के आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा, तो वीडियो को लगातार बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, जैसे स्नैपशॉट है, आप इसके बारे में जानते होंगे। ये इस तरह से आपका कोई भी फ़ोटो, लाइव फ़ोटो कैप्चर करके आपको अपनी गैलरी में दिखा सकता है, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। कोई भी वीडियो है पर्टिकुलर, उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ये भी आपका सेव हो जाएगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन है पैन और टिल्ट का, उसमें आप कैमरे को राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। पे आपको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे आना है मोर पे। यहाँ पे इमेज रोटेशन का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका कैमरा जो है टेबल पे रखा है, आप उसको माउंट नहीं किए हैं, मतलब हैंग नहीं किए हैं, तो आप इसको यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो आपके राइट फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए जैसे अभी टेबल पर रखा है तो इस तरह से ये अपने फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ आपको लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी करना है आप वहाँ कर सकते हैं, आपको समझ में भी आ रहा है इमेज। यहाँ से आप इसको कट करेंगे, यहाँ से आप ऑडियो सुन सकते हैं, वहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है यहाँ पे रिकॉर्ड हो सकती है। इसको बड़ा करने का ऑप्शन, यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं रिजोल्यूशन। अगर आपके यहाँ नेट प्रॉपर वे में नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको 480p पे या 720p पे भी चला के देख सकते हैं, और साथ में इसको करने से आपका डेटा भी सेव होगा। यहाँ से इसका वीडियो पुश भी कर सकते हैं, ये वहीं पे रुक जाएगा। और अगर आप जब भी मेमोरी कार्ड इसमें लगाओगे, इसमें कलर नाइट विजन का जो ऑप्शन मैंने आपको बताना भूल गया, कलर नाइट विजन का ऑप्शन है यहाँ पे स्पॉट लाइट लिखा है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो उसमें जो लाइटें लगी हैं वो जल जाएंगी, तो रात में भी आपको कलर विजन दिखाई देगा, दिन की तरह ही दिखाई देगा। और स्टोरेज मैं आपको बता दूँ, स्टोरेज अगर आपको देखना है आप लगाते हैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज में, यहाँ पर स्टोरेज लिख कर आ जाएगा जो भी आप लगाए रहेंगे। स्टोरेज रूल में आपको कई तरह से वो मिल जाएगी कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, शेड्यूल रिकॉर्डिंग करनी है तो कितने से कितने बजे तक करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नाइट विजन, यहाँ स्मार्ट नाइट विजन है, तो कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं इसको। एक चीज़ और बता दूं, अगर इसको आपको दूसरे किसी फ़ोन में चलाना है तो आपको यहाँ से इनको सबसे पहले तो परमिशन देना होगा। शेयर डिवाइस के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएंगे तो उनकी जो ईमेल आईडी है, जिस आईडी से उन्होंने अपना IMU का आईडी जो बनाया है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, तभी वो आपका कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, वरना आपके बिना डिलीट किए कोई कैमरा ऐड नहीं कर सकता है, ना भी आपकी कोई परमिशन के बिना आपका कोई कैमरा ऐड कर सकता है अपने फ़ोन में। यहाँ ऐप में आपको एक फ़ीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें इसमें दिए गए सारे फ़ीचर्स आपको मिल जाएंगे, वो एक एक करके आप देख सकते हैं, जब आप कैमरा चलाएंगे तो आप समझ जाएंगे। आई होप इसका इंस्टॉलेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइए।